गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ पटेल दीक्षिता, अश्वमिक विद्यालय, पारडी। फ्रेंड्स, यस्टरडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 1, एयर प्रेशर। इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर, एयर प्रेशर and atmosphere. Now, today we will discuss about unit pressure. The air pressure is acted on our body. Then, why will not crush due to this much pressure of air? Because there is air in our body. The pressure of air inside the body and is surrounding is balanced, so we are not crushed. मतलब कि हमारी बॉडी का जो प्रेशर है, the pressure of air inside the body, मतलब हमारी बॉडी में जो एयर का प्रेशर है and in surrounding is balanced, so we are not crushed. मतलब हमारी बॉडी में जो प्रेशर है वो प्रेशर और जो हमारी बॉडी के बाहर मतलब एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर है वो बैलेंस्ड है. दोनों क्या है? बैलेंस है. तो वी आर नॉट क्रश्ड. नाउ आई गिव यू सम एक्टिविटीज विच यू हैव टू डू एंड Right answer of the question. Here, the first activity. What is required for this activity? Newspaper and scale. Friends, आपने newspaper तो देखा ही होगा और आपके घर पे होगा भी. और second जो है वो है scale. Scale यानी माप पट्टी. तो हमें इस activity के लिए newspaper और scale चाहिए और एक टेबल चाहिए. क्या चाहिए? ये टेबल. नाउ हमें इस एक्टिविटी के लिए क्या करना है? व्हाट टू डू मतलब इस एक्टिविटी के लिए क्या करना है? फोल्ड द न्यूज़पेपर 4 to 5 times. हमें न्यूज़पेपर को 4 to 5 times के लिए फोल्ड कर देना है. एंड प्लेस इट ऑन द टेबल एज सो. जैसे कि इस फिगर में यहाँ पे दिखाया है, वैसे न्यूज़पेपर को 4 to 5 times फोल्ड करना है. और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जैसे दिखाया है वैसे एक टेबल पे स्केल रखनी है और स्केल के ऊपर न्यूज़पेपर रखना है. प्लेस द स्केल बिटवीन न्यूज़पेपर एंड द सरफेस ऑफ द टेबल इन सच अ वे दैट 1/4 part ऑफ इट रिमेन्स आउटसाइड द टेबल. हमें स्केल इस तरह से रखनी है जैसे स्केल का 1/4 part, जैसे यहाँ पे दिखाया है स्केल का 1/4 part जो है वो टेबल के बाहर है और बाकी का भाग जो है वो टेबल की सरफेस पे है. एंड जो उस ये बाकी का भाग है स्केल का, उसके ऊपर हमें लेफ्ट साइड में न्यूज़पेपर 4 to 5 bar मतलब 4 to 5 times फोल्ड करके रखना है. नाउ पुश द स्केल एज शोन इन द फिगर. यहाँ पे जैसे दिखाया है वैसे स्केल को जो हमने बाहर की ओर से 1/4 part उसका जो बाहर की ओर रखा है वहां से हमें स्केल को क्या करना है? पुश करना है. What happened? स्केल को पुश करने से क्या होगा? आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्केल को पुश करने से क्या हुआ. तो आपको अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो लाइंस दी गई है वहाँ पे लिखना है. Then unfold the paper. जैसे कि हमने पहले जो पेपर को 4 to 5 times जो फोल्ड किया था उसी पेपर को अब क्या करना है?
अनफोल्ड कर देना है। अनफोल्ड मतलब जो पहले फोल्ड किया था उसे खोल देना है। एंड रिपीट द एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है। जैसे कि हमें स्केल को टेबल की सरफेस पे रखना है, 1/4 पार्ट उसका बाहर रखना है और जो बाकी का पार्ट है उस पे न्यूज़पेपर, यहाँ पे न्यूज़पेपर फोल्ड किए बिना, मतलब कि अनफोल्ड करके ऐसा न्यूज़पेपर यहाँ पे रखना है। और रिपीट द एक्टिविटी मतलब सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है कि हमें स्केल को यहाँ से पुश करना है और उसके बाद व्हाट हैपेंड, क्या होगा वो हमें यहाँ पे जो लाइंस दी गई है उसमें लिखना है। नाउ व्हाई दिस हैपेंड मतलब पहले जो हुआ कि हमने न्यूज़पेपर को जो था वो फोल्ड करके रखा था स्केल के ऊपर और पुश किया था। नाउ हमने उसके बाद जो क्या किया कि न्यूज़पेपर को खोल दिया और खोल के यहाँ पे रखा, तो क्या हुआ वो हमें यहाँ पे व्हाई दिस हैपेंड मतलब क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ वो यहाँ पे फील करके लिखना है। ओके, अगर आपके पास बुक ना हो तो आप नोटबुक में ये एक्टिविटी जो है वो लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज हियर शो व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, ग्लास, स्ट्रो एंड वाटर। ग्लास तो आपके घर पे होगा ही, स्ट्रो, स्ट्रो जो कि हम जूस पीने के लिए यूज करते हैं, एंड वाटर। वॉट टू डू, इसके लिए हमें क्या करना है, यू वुड हैव एक्सपीरियंस ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक विथ स्ट्रो, आपने कोल्ड ड्रिंक जो है वो स्ट्रो से पिया ही होगा। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ड्रिंक इट विथ स्ट्रो, हमें क्या करना है, एक पानी से भरा ग्लास लेना है और वो पानी जो है वो स्ट्रो से पीना है। वाइल ड्रिंकिंग बाई स्ट्रो वी सक द एयर दैट इज देयर इन द स्ट्रो, स्ट्रो जो है पहले क्या होती है, खाली होती है और जब हम उसे पानी में डालते हैं तो जो स्ट्रो में जो एयर है वो हम क्या करते हैं, शक करते हैं। शक मतलब क्या होता है, चूसना। तो हम क्या करते हैं, वो जो एयर है स्ट्रो में उसे क्या करते हैं, चूसते हैं, मतलब कि शक करते हैं। वेन द एयर फ्रॉम स्ट्रो इज शक द प्रेशर इन साइड इट डिक्रीज एंड वाटर राइजेस इन इट ड्यू टू प्रेशर ऑफ वाटर इन द ग्लास। वेन द एयर फ्रॉम स्ट्रो इज सक द प्रेशर इन साइड इट डिक्रीज एंड वाटर राइजेज इन ड्यू टू प्रेशर ऑफ वाटर इन द ग्लास, जब स्ट्रो जो है हम स्ट्रो में से पानी को शक करेंगे मतलब चूसेंगे, द प्रेशर इन साइड इट डिक्रीज, अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा मतलब कि कम होगा। वाटर राइजेज इन इट ड्यू टू प्रेशर ऑफ वाटर इन द ग्लास, वाटर क्या होगा ऊपर की ओर बढ़ेगा। नाउ मेक अ होल एट द सेंटर ऑफ स्ट्रो एंड देन ड्रिंक वाटर एज नोन सोन इन द फिगर, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, हमें क्या करना है, स्ट्रो के बीच सेंटर में एक एक साइड पे होल बनाना है और देन ड्रिंक वाटर एज सोन इन द फिगर, जैसे कि दिखाया गया है फिगर में वैसे हमको वापस वाटर को क्या करना है, शक करना है। नाउ क्वेश्चन इज हियर व्हाट हैपेंड, कि हमने वाटर को शक किया तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, वो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ वो आपको यहाँ पे लिखना है। आज हमने दो एक्टिविटीज के बारे में स्टडी किया, तो ये दोनों एक्टिविटीज आपको घर पे करनी है। और आपके पास अगर बुक ना हो तो ये एक्टिविटीज आपको नोटबुक में
लिखनी है। थैंक यू।